संविधान बनने की उसका मंत्री अनंत हेगड़े संविधान की ओर लेता है और कहता है कि हम संविधान बन रहे ये संविधान के लिए लड़े नहीं, ये संविधान को मानते नहीं, और ये संविधान नहीं रहेगा तो आप माने नहीं जाओगे। सवाल है कि आपकी मालिकियत कैसे बचे, इसलिए आपके बीच में 11 करोड़ लोगों का जो गठबंधन था नीचे, वो जो का तो जनता में बना रहे। हर जात बिरादरी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपने जो पुरुषार्थ किया था, मेहनत की थी, आपके बोझ के साथ, आपके ईमान के साथ लोगों ने गदा किया, इसलिए और कोई नहीं, आपका बोझ खतरे में है। ये जो गठबंधन टूटा है, ये बोझ आपने जहां दिया था वो खतरे में। इन्होंने आरजेडी को भी नहीं, इनका आने वाला संतान भी कभी ठीक रहने चाहिए, ये भी सोचे ये जो हाथ में बने से पड़ है, यही ईमान है, ये ईमान ही आज खतरे में। ये बैलेट पेपर ये बटन दबाते हो, आज ये खतरे पर है। बीजेपी 19 में जीत गई, ये धंधा पार्टी है, ये देश को जलाने का काम करेगी, ये लोकतंत्र संविधान को भी खत्म करेगी। इसलिए सवाल आजकल पार्टी का नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं बड़ी कुर्बानी के बाद ये संविधान बना, ये संविधान खतरे में है। ये बीजेपी वहां बैठी हुई है गाय के नाम पर, लंग जहाज के नाम पर मुसलमानों को दिखा दिखा के हिंदुओं को, क्या वो कौन सा इन दोनों की लड़ाई से खेत से पानी हो जाएगा क्या, खेत से हरियाली हो जाएगी क्या, नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा क्या, रोजगार को नहीं, काम को नहीं, सिर में आने सिर भर। और भाई नीतीश जी आप चले गए तो चले गए, लेकिन अकेले आप ले गए, आप पूरे बिहार में जिस समय बाबरी मस्जिद गिरी थी, अकेला बिहार है, अकेले बिहार की जनता है, यहां एक जगह दंगा नहीं हुआ, देश भर में दंगा हुआ था, लेकिन अकेले बिहार में एक जगह दंगा नहीं हुआ था। आप सब जगह दंगा करवा रहे, जिनके साथ गाँव मैंने कहा था ठीक लोग नहीं है ये, आप तो गए गए, आपका ईमान भी गड़बड़ाया, लेकिन आज 11 करोड़ लोग भुगत रहे। ये राम के नाम से, कहीं बजरंगबली के नाम से, पता नहीं किसी नाम से जाकर के कहीं ना कहीं दंगा कराने का काम करेंगे। मैं सबरा के भाइयों से कहना चाहता हूं, चाहे वो राजेंद्र बाबू हो, चाहे वो जयप्रकाश जी हो, लोहिया जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे हमारे कोई पुरखे हो, कर्पूरी ठाकुर हो, बड़ी कुर्बानी के बाद यह हक आपके हाथ में आया है, यह हक चला जाएगा यदि आपने आपस में लड़ाई और कड़े किया। आज का कार्यक्रम क्या लिए बता दीजिए, कहाँ है, क्या सुन रही है? जन संवाद का कार्यक्रम है, देश भर में चल रहा है। देश का जो संविधान, ये जो भारत बंद हुआ था, इसको सारे देश में हम सब जगह सहयोग किए हैं। सबसे ज़्यादा वंचित समाज यहाँ महागठबंधन जनता ने इतने बड़े पैमाने पर 2/3 बहुमत से जिताया, तो यहाँ जनसमा संवाद एक कार्यक्रम हमारा है, तो जनता का जो पुरुषार्थ है, जनता का जो फैसला है, उसे जो लोगों ने बदला है, मैं लोगों के बीच में जा करके कि वो गठबंधन नीचे बनाए रखे, और वो गठबंधन ने देश को एक नया राह दिखाया, वो रास्ता पूरा देश में बना रहे। इसलिए ये जन संवाद यात्रा का मतलब यह है कि जो जनता का वोट है वो ईमान है, उसके साथ जो भी वादा करे वो कभी तोड़ना नहीं चाहिए, यही सब लोगों के बीच में जाकर के बताने का मैं काम कर रहा हूँ। जनता से किया हुआ वादा वो सबसे बड़ा ईमान है लोकतंत्र, और यहाँ महागठबंधन को तोड़ करके उस ईमान को लोगों ने कुचला, और इसीलिए यहाँ भी सुबह से मैं सब जगह सभाएं करते हुए, जन संवाद करते हुए अभी सिवान जा रहा हूँ।